देखिए, अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की. सॉरी, अब इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के केस में हम इलेक्ट्रिक ईल की बात करेंगे. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस. फाइन. और ये जो है ये साउथ अमेरिकन ईल है. मतलब ये साउथ अमेरिकन ईल है और अपनी प्रजाति की ये अकेली ईल है. मतलब कि ये ईल नहीं है, बट हम इसको नाइफ ईल कहते हैं. ठीक है. तो अब इसके बाद क्या है कि ये कुछ इलेक्ट्रिक, इसके पास कुछ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि इलेक्ट, मतलब कि जो करंट प्रोड्यूस करते हैं. लाइक जैसे कि ये ताकि अपने अपना डिफेंड कर सके, प्रे ढूंढ सके अपना, तो इसलिए इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की प्रेजेंस होती है ताकि कि अपने आप को बचाव, अपना बचाव कर सके, अपनी प्रोटेक्शन कर सके. तो इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स कैसे होते हैं. इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इसके एब्डोमेन में तीन पेयर्स होते हैं. एब्डोमेन में तीन पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. ठीक है. तीन पेयर्स होंगे इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के जो प्रेजेंट होंगे, जो कि होंगे मेन ऑर्गन. ठीक है. और इसके बाद आते हैं हंटर्स ऑर्गन, और इसके बाद आता है सेट्स ऑर्गन. ठीक है. और ये जो मिलाकर टोटल इसका जो मोस्टली जो बॉडी पार्ट होता है इसका मोस्ट कवर कर देगा इसकी बॉडी पार्ट का ईल का. तो इसके बाद क्या प्रेजेंट होगी इसमें, जो ये सब जो थ्री मेन ऑर्गन्स हैं ये इसके कंपोज, किस कौन इसको कंपोज करेगा, इलेक्ट्रोसाइट्स इसको कंपोज करेंगे. अब जो इलेक्ट्रोसाइट्स होंगे या तो वो लाइंड अप होंगे या तो वो स्टैक्ड होंगे. ठीक है. या तो वो होंगे लाइंड अप या वो होंगे स्टैक्ड. वो लाइंड अप तब होंगे जब उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट अपने, मतलब जो तीनों के तीनों ऑर्गन्स हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है उनमें से. और स्टैग तब होंगे जब उनको, जब उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल क्रिएट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने सम अप करना है सबका. तो या तो इलेक्ट्रोसाइट्स लाइंड अप हो सकते हैं या स्टैक्ड हो सकते हैं. और ये जो इलेक्ट्रोसाइट्स हैं ये तीन पेयर जो है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के उनको बनाने में हेल्प करेंगे. ठीक है. तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सिग्नल्स जो हैं वो जाते कैसे हैं आगे ब्रेन के द्वारा इलेक्ट्रोसाइट्स तक. तो अब इसके बाद क्या है कि सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन के द्वारा, सबसे पहले इसमें ये बात करते हैं हम, सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन के द्वारा, ब्रेन जो है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा, सिग्नल्स जो ब्रेन, ब्रेन जो सिग्नल्स क्रिएट करेगा वो नर्वस सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रोसाइट्स तक जाएंगे. ठीक है. जो सिग्नल्स जो ब्रेन क्रिएट करेगा वो नर्वस सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रोसाइट्स तक जाएंगे. और इसके बाद क्या होगा, आयन चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे. आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे और जो सोडियम होगा, सोडियम का रिलीज़ होगा. सोडियम का रिलीज़ होने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, सोडियम रिलीज़ होगा. सोडियम रिलीज़ होने के बाद क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी है ना वो रिवर्स हो जाएगी. मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है दैट गेट्स रिवर्स्ड, दैट गेट्स रिवर्स्ड. मेम्ब्रेन की पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो रही है यहाँ पर. अब इसके बाद क्या होगा कि मेम्ब्रेन की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट होगा. डिफरेंस गेट्स क्रिएट. ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्टार्ट होगा. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसी वे में स्टार्ट होगा जिस वे में कि एक जो बैटरी है वो प्रोड्यूस करती है, उसी वे में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. प्रोड्यूसेस द सेम वे एज अ बैटरी डज. ठीक है. सेम वे में प्रोड्यूस होगा जैसे कि एक बैटरी हमारी प्रोड्यूस करेगी. तो अब इसके बाद क्या होगा कि जो एक ईल है वो 5000 से लेकर 6000 तक इलेक्ट्रोप्लैग्स जिसके पास होंगे, वो टोटल 860 वॉट का करंट जो है वो रिलीज़ करेगी, जिसमें कि 1 एम्पियर होगा 860 वोल्ट का. ठीक है. एंड 1 एम्पियर इज 860 वोल्ट्स. और ये होगा 2 मिलीसेकंड्स के लिए सिर्फ. तो ये मतलब 2 मिलीसेकंड्स के लिए जो होगा वो रिलीज़ होगा. ठीक है. तो ये जो होगा हमारे पास 2 मिलीसेकंड्स के लिए रिलीज़ होगा जो ये
हमारे पास होगा 5,000 से लेकर 6,000 इलेक्ट्रोप्लैग्स होंगे, और ये 860 वॉट्स के लिए होगा होगा, और 1 एम्पियर इसमें होगा, 860 वॉट्स होंगे इसमें, और ये 2 मिलीसेकंड्स के लिए रिलीज़ होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये 2 मिलीसेकंड्स के लिए रिलीज़ हो रहा है, और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली है किसी भी ह्यूमन डेथ के लिए। मतलब कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में किसी भी ह्यूमन के ऊपर अगर करंट थ्रो होता है 860 वोल्ट का, तो वो मर नहीं सकता। तो 2 मिलीसेकंड के लिए ये काफ़ी अनलाइकली है कि कोई भी ह्यूमन की जो है वो डेथ हो। तो जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो हैं, कोई भी ईल जो है वो प्रोड्यूस करती है अपने प्रे के लिए या अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो हैं हमारे पास वो आएंगे इलेक्ट्रिक ईल के केस में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। तो ये साउथ अमेरिकन ईल है, तो इसको हम नाइफ ईल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इसके एब्डोमेन में होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के, जिसमें होगा हम मेन ऑर्गन, हंटर ऑर्गन, सैट्स ऑर्गन, और इलेक्ट्रोसाइट्स जो हैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स क्रिएट करेंगे, और जस्ट जिनको जो कि लाइंड अप हो जाएंगे और स्टैक्ड होंगे। अब जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो क्रिएट होंगे, वो जो सिग्नल्स हैं वो होंगे, सिग्नल्स जो ब्रेन के हैं वो नर्वस सिस्टम तक जाएंगे, नर्वस सिस्टम के बाद इलेक्ट्रोसाइट्स तक जाएंगे, देन आयन चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, सोडियम रिलीज़ होगा, मेम्ब्रेन पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के बाद इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेम वे में प्रोड्यूस होगा जैसे कि एक बैटरी प्रोड्यूस करती है। और इसके बाद क्या होगा, 5,000 से लेकर 6,000 इलेक्ट्रोप्लैक्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रिक ईल में प्रेजेंट होंगे, जो कि 860 वॉट्स की, और 1 एम्पियर जो कि 860 वॉल्ट्स होगा वो रिलीज़ करेगा, जो 2 मिलीसेकंड्स के लिए रिलीज़ होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली है किसी भी ह्यूमन डेथ के लिए।